तो इसको लगाने के बाद मेरी स्किन बहुत ही ब्राइट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी गाइस। बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो गया मेरी स्किन में और बहुत ही खुशबू भी बहुत अच्छी है इसकी तो। अब बारी आती है हमारे मुफ्त के प्रोडक्ट्स की जो हमें फ्री में मिले हैं। सो मेरे को दो प्रोडक्ट अभी के अभी रिव्यू करने को मिल गए हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज मैं करने वाली हूँ पर्पल हॉल और मैंने रिसेंटली पर्पल से बहुत सारा सामान मंगाया है। मैंने पिलग्रिम से ऑर्डर किया है बहुत सारा सामान और दो तीन छोटी मोटी चीज़ें मंगाई हैं मैंने जो मैंने पहले यूज़ नहीं करी है, वो सारी चीज़ें भी मंगाई है मैंने। तो वो सब चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है एंड इसका रिव्यू भी मैं अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बाकी इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको नॉर्मली दिखाऊंगी कि ये कैसे हैं ये प्रोडक्ट। सो दिस इज माई बॉक्स एंड लेट्स ओपन इट। सो मुझे ना पर्पल की सबसे अच्छी बात लगती है कि इनकी ना पैकेजिंग बहुत सही होती है। सो ये इस तरीके से बड़ा मस्त पैक हो गया है मेरा सारा सामान। ओके सो ये मेरा सारा सामान है एंड गाइस प्लीज इग्नोर मैं ना बिस्तर के अंदर हूँ, मुझे क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। आजकल मौसम भी थोड़ा वैसा सा हो रखा है और देहरादून का मौसम तो यू नो वेरी वेल। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या आया है, लेट्स ओपन इट। फर्स्ट मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा, इसमें इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ऐड आ रहे थे सो मैंने ये इंस्टाग्राम पे देख के फिर पर्पल पे इसको सर्च कर वहां से मंगवाया है। सो इससे तो मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें ट्राई करके दिखाऊंगी इसको। सारा जितने मैंने प्रोडक्ट मंगाया है ना उनको अच्छे से रिव्यू करके ट्राई करके रिव्यू करके आपको बताऊंगी इनके बारे में। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि ये कैसे है ये प्रोडक्ट। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, बहुत ही शानदार, कुछ ये पेन टाइप का ही लग रहा है जैसे पेन हो। सो ये ऐसा मस्कारा है एंड तो इसमें ना ये दो मस्कारास हैं, स्टेप वन और स्टेप टू। एक है लेंथ के लिए, वाओ सो कूल। सो ये वाला है लेंथ के लिए एंड इसी में ही एक और है एंड ये है वॉल्यूम के लिए। वाओ इनकी ये कितने प्रीटी है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। सो इसे हम ट्राई करके देखेंगे एंड पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी इसकी और इसका प्राइस है ओके 279 है बट ये मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा है। जो भी इसका प्राइस होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। सेकंड है ओके सो ये मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। सो मैंने ये मंगाया है पिलग्रिम का हेयर ग्रोथ सीरम और मैंने ना इसका बहुत सारे रिव्यूज देखे और यामी गौतम ने इतना सही इसका रिव्यू किया है वो भी देखा तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करूं। सो इसका भी जल्द ही मैं रिव्यू करने वाली हूँ बट इसका रिव्यू ना थोड़ा लेट ही करने वाली क्योंकि मैं ट्राई करने के बाद ही इसके अच्छे से रिव्यू कर पाऊंगी और आपको बता पाऊंगा कि हाँ भाई ये सही प्रोडक्ट है या नहीं है, इतना प्राइस इसका दे रहे हैं तो ये वर्थ है या नहीं है। सो वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। दिस इज आवर सीरम, सो ब्यूटीफुल यार, मतलब बहुत ही सही लग रहा है ये देख के, लग रहा है कि भाई हाँ भाई एक्सपेंसिव वाला प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है इसमें ये पिलग्रिम का मॉइस्चराइजर और इसका भी ना मतलब यार आजकल ना ये पिलग्रिम बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी ये दिखता है, मेरे यूट्यूब पे भी ये दिखता रहता है मुझे। सो मैंने भी ये इसका ग्लो मॉइस्चराइजर मंगाया है और इसको भी मैं ट्राई करूँगी और देखूँगी कि हाँ भाई कैसा है ये। रिंग बहुत सुंदर है यार, लिटरली बहुत सुंदर है, उल्टा बोल देगा इसमें। तो ये इतनी सी छोटी सी मॉइस्चराइजर है ये और ये 550 की पड़ी है। इसका आफ्टर डिस्काउंट प्राइस मैं दिखा दूंगी यहाँ पे कि पर्पल पे कितने की मिल रही है एंड खुशबू भी अच्छी है गाइस इसकी। बाकी देखते हैं थोड़ा सा हाथ पे लगा के
बहुत ही लाइट वेट है ये, और वाह यार सो नाइस, बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो गया मेरी स्किन में, और बहुत ही खुशबू भी बहुत अच्छी है इसकी तो मॉर्निंग में फेस पे यूज़ करके देखूंगी ये कैसा है। उसके बाद मैं इसका आपको रिव्यू भी शेयर करूंगी कि ये एक्चुअल में कैसा है। तो मंगाए हैं मैंने ये फिटमी के कॉम्पैक्ट, मेरे को फिटमी के ना कॉम्पैक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। इससे पहले मैं फिटमी का ही वो दूसरा वाला आता है ना, पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पे, ये वाला कॉम्पैक्ट यूज़ करती थी। सो इस बार मैंने थोड़ा सा सस्ता वाला मंगाया है, इतना भी सस्ता नहीं है वैसे, ये 260 समथिंग का है ये। एंड ये दो अलग अलग शेड्स मंगाए हैं मैंने, ठीक है, ये 115 वाला शेड और इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। सो इन्होंने थोड़ी पैकेजिंग में भी चेंजेस करे हैं तो सही लग रहा है ये। सो ये वाला शेड है, एंड ये दो शेड मैंने इसलिए मंगाए हैं क्योंकि मोस्टली कभी कभी क्या होता है कि अंडर आई एरिया पे थोड़ा सा ना मुझे लाइट वाला चाहिए होता है, बट मेरे पास कॉम्पैक्ट लाइट वाला था नहीं, तो मैंने इसलिए दो अलग अलग शेड मंगाए हैं, एक लाइट है एक थोड़ा सा डार्क है, शेड 115 और एक है शेड 128, और इन दोनों का ही रिव्यू नेक्स्ट वाली वीडियो में होने वाला है, इन सब का रिव्यू नेक्स्ट वाली वीडियो में होने वाला है। बाकी अभी मैं आपको सिर्फ इसकी पैकेजिंग वगैरह ही दिखा सकती हूँ क्योंकि सब सारी चीजें मैं एक वीडियो में नहीं कर सकती और आप लोग देखोगे भी नहीं, आई नो स्किप करते रहोगे। मैंने मंगाई है ये मेरी द फेवरेट मेरा फेस वॉश जो सेटाफिल का है, मेरा खत्म हो चुका है, तो इस बार ना मैंने थोड़ी बड़ी पैकेजिंग में मंगाया है इसे, आई थिंक 600 समथिंग का है ये, और मेरे को चाहिए था ये, बहुत ही अच्छा क्लिनजर है ये एंड बहुत ही स्मूथ रखता है आपकी स्किन को। ये मेरा ना ख़त्म हो गया था तो दो तीन दिन से ना मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन आने लग गई हैं और बहुत ज़्यादा मेरी स्किन भी फटने लग गई है, शायद नहीं फटेगी इसके आने के बाद। नेक्स्ट हम ओपन करते हैं ये वाला, एंड इसमें आई है शुगर की ये पैलेट, और ये बहुत ही सुंदर है इसकी पैकेजिंग, और लेट्स ओपन इट। पैलेट मुझे काफी टाइम से चाहिए थी, बट मतलब ऐसा कभी होता है ना कि छोड़ो यार क्या ही लेना है, ये है मेरे पास सब कुछ तो है, बट फिर भी मैंने इस बार ना बड़ा अपना मन मजबूत करके ये प्रोडक्ट लिया है, कंटूर हाइलाइटर और ब्लश, और आई नो ये सुपर पिगमेंटेड है एंड बहुत ही मन था मेरा इनको लेने का और आखिरकार मैंने इन्हें ले लिया। सो ट्राई करेंगे सब कुछ दिखाऊंगी गाइस आपको। है ये शुगर का मस्कारा और ये ना मुझे फ्री में मिला है, फ्री के प्रोडक्ट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, तो ये वाला भी ना मैं लास्ट में ओपन करके दिखाऊंगी कि कैसा है। दो दिन फ्री में आइटम्स प्रोडक्ट्स मिले हैं मुझे, सो वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। सो नेक्स्ट है ये ब्लू है, ओके। सो ये वाला प्रोडक्ट ना बहुत ही अमेजिंग है, मतलब एकदम मस्त वाला प्रोडक्ट है ये। तो ये ब्लू हेवन का है टिंटेड ऑयल, और इसका गाइस आपने कलर देख लिया ना, सो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। सो ये इस तरीके का क्यूट क्यूट पैकेजिंग में है, एंड लेट्स ओपन इट। ओके आजा भाई बाहर आजा, ड्रा। सो गाइस ये जो है ना, मतलब पहली बार मैंने ऐसा कुछ मंगाया है, पूरी ब्लैक है ये, बट इसमें एक मैजिक है। सो ये है एक लिप टिंटेड ऑयल, और ये ब्लैक कलर में है, बट ये स्किन में ये जब आप लिप पे अप्लाई करोगे ना, तो ये आपके पीएच के अकॉर्डिंग कलर ले लेगा और वो स्टेन ये आपके लिप पे छोड़ देगा। सी थोड़ा सा इसमें आप देख रहे होंगे हल्का सा पिंकिश टोन आ गया है।
तो नेक्स्ट मैंने मंगाया है मामा अर्थ की काजल। मेरे पास पहले शुगर की थी बट वो कहीं खो गई है मेरे से, तो नेक्स्ट मैंने मंगाई है ये मामा अर्थ की काजल। और इसके साथ ही मैंने मंगाया है ये मामा अर्थ की लिपस्टिक। शर बहुत अच्छा है इनका, सो मैंने इस बार एक और लिपस्टिक मंगवाई है और इसका शेड बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। लगाने के बाद पता चलेगा कि ये कैसी है। सो यू कैन सी दिस इज द शेड, और लगाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है। एंड ये सारा रिव्यू मैं करने वाली हूँ, तो आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा या आपको लॉन्ग वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाई है ये मेबेलिन फिट मी की पाउडर फाउंडेशन। सो मैंने आज तक ना कभी पाउडर फाउंडेशन यूज नहीं किया है, और मेबेलिन मेरा फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है। सो मैंने इसलिए मेबेलिन से ही फर्स्ट पाउडर फाउंडेशन मंगवाया है। सो दिस इज वाओ, सो कूल यार, इसकी पैकेजिंग कितनी सुंदर है गाइस, सी, और पीछे से भी सी, ओ वाओ। सो इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, लेट्स ओपन कैसा है। स्पॉन्ज कितना बढ़िया है, और इस के स्पॉन्ज के नीचे जाली जाली भी है इन्होंने दे रखी ताकि एयर बनी रहे और स्मेल ना आए। यार ये बड़ी सही चीज है। सो ये भी हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसा है। भाई मुझे ना अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स बहुत प्यार है, तो मैं इनको ना अच्छे से संभाल के रखूंगी, और इस बार वाले प्रोडक्ट में थोड़ा एक्सपेंसिव है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखूंगी। तो नेक्स्ट मैंने मंगाया ये ब्यूटी ब्लेंडर, और ये NYBA का, इन्होंने सामने स्टिकर चिपका दिया है तो दिख नहीं रहा है। और ये सारे के सारे ना प्रोडक्ट के लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वैसे सारे अच्छे से रिव्यू करके डालूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से डिटेल में पता चले कि हाँ ये प्रोडक्ट सही में अच्छे हैं या नहीं है। ब्लेंडर मंगाया मैंने इस बार पिंक कलर में, सो क्यूट, सो बहुत ही सही लग रहा है ये। इससे पहले भी मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है, वो मैंने पर्पल के ही मंगाए हैं और वो भी सही है। बाकी इसको हम कल ट्राई करेंगे तो देखेंगे ये कैसा है। एंड अब बारी आती है हमारे मुफ्त के प्रोडक्ट्स की जो हमें फ्री में मिले हैं। सो फर्स्ट है ये लॉरियल का शीट मास्क, और ब्राइट स्किन के लिए है ये, और क्रिस्टल क्लियर एंड ब्राइट स्किन के लिए है ये। सो इसको लगाने के बाद मेरी स्किन बहुत ही ब्राइट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी गाइस। सो देखेंगे इसको ट्राई करके कि ये कैसा है। नेक्स्ट है ये NYBA का मेकअप रिमूवर, और इसको ना मैं अभी ट्राई करके दिखा दूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है, तो इसी से ही निकाल के दिखाऊंगी कि हाँ भाई सही है या नहीं है। इसका तो रिव्यू अभी हो जाएगा गाइस। तो नेक्स्ट है ये शुगर का मस्कारा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक मस्कारा मंगाया था, मैं दो क्यों ही मंगाऊंगी, बट ये इन्होंने मुझे फ्री में दिया है शुगर वालों ने, क्योंकि मैंने इनके दो प्रोडक्ट मंगाए थे तो इन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट फ्री में दिया है। सो इसे भी हम ट्राई करके देखेंगे कि कैसा है। बाकी मैं इसे आपको खोल दिखाऊंगी। ओ वाओ, सो इस तरीके का है ये, आई होप आपको दिख रहा होगा इसका। नहीं दिख पा रहा है, क्या पता दिख गया हो आपको, आई डोंट नो। सो इसका भी रिव्यू मैं करूंगी अच्छे से। और नेक्स्ट है ये मामा अर्थ की हनी मलाई नाइट क्रीम। ओह वाओ, सो मेरे को दो प्रोडक्ट अभी के अभी रिव्यू करने को मिल गए हैं, तो इन दोनों को हम अभी ट्राई करके देख लेंगे कि ये कैसा है। तरीके की है ये नाइट क्रीम। गाइस के बारे में ना मैं आपको डिटेल में एक अच्छे से वीडियो बना के दिखाऊंगी, बाकी हाल में इसको अभी यूज करके देख लेती हूँ कि कैसी है। हम करेंगे अपना मेकअप रिमूव। सो मोस्टली मेरा सारा मेकअप निकल चुका है, एंड रेस्ट मैं अपने क्लींजर से इसे निकालूंगी। सो मैं अपने सेटाफिल वाले क्लींजर से अपना फेस क्लीन करके आती हूँ, करूंगी मामा अर्थ की नाइट क्रीम, एंड देखते हैं कि कैसी है।
तो फेस मैंने क्लीन कर लिया है. लेट्स ट्राई दिस मामाअर्थ का हनी मलाई नाइट क्रीम. सो ये अच्छे से ना स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है और मेरी स्किन ना थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट भी कर लिया है इसने. बेस्ट रिजल्ट के लिए तो गाइस मैंने लिखा है कि आपको हर रोज इसे यूज करना है, एवरी नाइट अपना फेस क्लीन करके. एंड सी मेरी स्किन ना थोड़ी सी शाइन भी कर रही है इससे. सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो आप नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं. एंड इन सब का डिटेल में अच्छे से रिव्यू मैं इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में कर दूंगी और शॉर्ट वीडियो में कर दूंगी. सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.